देन अटमोस्ट गुड फेथ ये जो कॉन्ट्रेक्ट है फायर इंश्योरेंस का वो बेस्ड है ऑन दी अटमोस्ट गुड फेथ

का या लॉस का वो फायर होना चाहिए या अदर रिस्क uh, जो इंक्लूडेड है पॉलिसी में नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट तो जितना अमाउंट आपने इंश्योर करवाया है उसी प्रोपोर्शन में वो अमाउंट ऑफ क्लेम आपको देंगे लेकिन किसी भी केस में जो अमाउंट आपको मिलेगी वो आपके एक्चुअल लॉस से ज्यादा नहीं मिलेगी अगर आप पेमेंट लेते हैं सिर्फ एक ही इंश्योरर से तो वो जो इंश्योरर है आपको कोई सरेंडर वैल्यू नहीं होती है डेलीब्रेट एक्ट कोई भी क्लेम पेबल नहीं होगा अगर जो फायर है वो डेलीबरेटली लगाई गई है देन डेलीबरेट एक्ट भी किसका है पॉलिसी होल्डर का उस केस में कोई क्लेम पेबल नहीं होगा एक्सक्लूशन क्या है जर्नल एक्सक्लूशंस जो पॉलिसी के हैं दैट इज रॉयट वॉर सिविल डिस्टर्बेंसेज एसेक्ट्रा इसका मतलब कि अगर आपको लॉस बाय फायर हो रहा है ड्यू टू एनी ऑफ दीज रीजन तो आपको इंश्योरेंस पे नहीं किया जाएगा देन है आपका असाइनमेंट जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी है आप उसे असाइन कर सकते हैं अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो इंश्योरर है वो बाउंड है कि अगर आपने पॉलिसी को असाइन कर दिया है और आपने उसको नोटिस भेजा है तो उसे वो नोटिस जो है उसे उसको मानना पड़ेगा देन नेक्स्ट इज योर एडवांस प्रीमियम प्रीमियम आपको जब आप पॉलिसी ले रहे हो पे करना पड़ेगा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक आप जो प्रीमियम है वो पे नहीं कर देते तो इन केस ऑफ लॉस जो इंश्योरर है वो लाइबल नहीं होगा क्लेम पे करने के लिए अगर आपने प्रीमियम एडवांस में पे नहीं किया है देन स्लावेज जब जो इंश्योर्ड है उसको इंडेमिफाई कर दिया गया है जो तो जो प्रॉपर्टी की स्लावेज है उसके ऊपर राइट right, जो है वो इंश्योरर का हो जाता है तो जो इंश्योरर है वो अमाउंट रिलाइज कर सकता है बाय सेलिंग दी स्लावेज दे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज कंडीशन क्या है फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशन है फायर पॉलिसी की उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक है एम्प्लाइड कंडीशंस और दूसरी है एक्सप्रेस कंडीशंस इम्प्लाइड कंडीशंस क्या है वो कंडीशंस जो इम्प्लाइड बाय लॉ है उन्हें हम इम्प्लाइड कंडीशंस कहते हैं जरूर ये जो कंडीशन है पॉलिसी में मेंशन हो भी सकती हैं और नहीं भी मेंशन हो सकती हैं वो क्या क्या है कि जो सब्जेक्ट मैटर है जिसके लिए आप इंश्योरेंस ले रहे हो वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस दूसरा जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो एग्जिस्ट करना चाहिए बोथ एट द टाइम ऑफ जब आप पॉलिसी ले रहे हो एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन ऑफ पॉलिसी और एट द टाइम ऑफ क्लेम देन जो प्रिंसिपल है आपका अटमोस्ट गुड फेथ का वो फॉलो किया जाएगा रिगार्डिंग ऑल मटेरियल फैक्ट्स एंड एट ऑल मटेरियल टाइम्स एट द टाइम ऑफ क्लेम इट शुड बी पॉसिबल टू आइडेंटिफाई दी सब्जेक्ट मैटर एज पर पॉलिसी डिस्क्रिप्शन जब आप क्लेम कर रहे हो तो ये पॉसिबल होना चाहिए नेक्स्ट जो आता है दैट इज एक्सप्रेस कंडीशन ये वो कंडीशन होती है जो एक्सप्रेसली मतलब आपको कंपल्सरली लिखनी है पॉलिसी में लिखी जाती है पॉलिसी में वो क्या है सबसे पहला है वाड़ेबल, पॉलिसी होगी इन केस अगर कोई मिस मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है है डिस्क्रिप्शन हुआ या नॉन डिस्क्लोजर हुआ है मटेरियल फैक्ट्स का देन सीज ऑफ इंश्योरेंस जो बेनिफिट्स हैं इंश्योरेंस के वो नहीं मिलेंगे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेवन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फॉल और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग लेकिन अगर जो प्रोविजन है, है, है वो कवर्ड है अंडर इंश्योर्ड पॉल्स फर्दर जो कंपनी है वो कंटिन्यू कर सकती है इंश्योरेंस का सब्जेक्ट एट रिवाइज रेट एंड टर्म्स एंड कंडीशन देन है मटीरियल ऑल्टरेशन इनकेस ऑफ दी जो अभी हम पढ़ेंगे following material alterations, जो है है, वो valid नहीं रह जाएगा। लेकिन condition है, shall not be valid. अगर जो इंश्योर्ड है उसने ऑलरेडी सेंक्शन से सेंक्शन ली हुई है इंश्योर से बिफोर दस ऑफ लॉस और डैमेज तो ये जो मटेरियल ऑल्ट्रेशन है ये वाला केस नहीं माना जाएगा पहला है चेंजेस जो ट्रेड में मैन्युफैक्चर या नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन या अदर सर्कमस्टांसिस में हुआ है जिसकी वजह से जो रिस्क है लॉस का या डेमेज है जो भी आपने रिस्क से इंश्योर करवाया है उसमें अगर कोई चेंज हुआ है लेकिन अगर आपने पहले से परमिशन ली हुई है तो ये वैलिड माना जाएगा अनऑक्यूपेंसी हुई है इंश्योर्ड प्रॉपर्टी की फॉर दी फॉर मोर देन थर्टी डेज ट्रांसफर हुआ है इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में अदरवाइज देन विल और ऑपरेशन ऑफ लॉ देन आता है मेराइन कॉस्ट अगर जो आपकी प्रॉपर्टी है वो कवर्ड है अंडर मेराइन पॉलिसी ऑल्सो मतलब आपने फायर इंश्योरेंस भी लिया हुआ है और मेराइन पॉलिसी भी ली हुई है तो जो भी एक्सेस अमाउंट है क्लेम की जो मेराइन पॉलिसी कवर नहीं कर रही है वो इस पॉलिसी में जो आपने फायर पॉलिसी ली है इसमें पे किया जाएगा देन है कैंसिलेशन ऑफ पॉलिसी जो पॉलिसी है कोई भी पार्टी कैंसिल कर सकती है अगर जो कैंसिलेशन है वो इंश्योर कर रहा है तो उसे 15 डेज का नोटिस देना पड़ेगा एंड जो आपकी अमाउंट है वो आपको रिफंड की जाएगी जो प्रीमियम की अमाउंट है प्रो डाटा बेसिस पे अगर जो कैंसिलेशन है वो इंश्योर कर रहा है तो जो प्रीमियम है वो इंश्योर रखेगा ऑन शॉर्ट पीरियड बेसिस देन आता है ड्यूटीज क्या है इंश्योर की जब आपको लॉस होता है तो उस टाइम पे क्या क्या ड्यूटीज है इंश्योर की वो है कि नोटिस देना लॉस या डैमेज जो भी आपको हुआ है उसका इंश्योरर को देन सबमिट करना एक रिटर्न क्लेम सेटलमेंट जिसमें आप डिटेल्स दोगे पर्टिकुलर्स की लॉस जो हुआ है आपको डैमेज जो हुआ है उसकी विद इन फिफ्टीन डेज या जो भी एक्सटेंशन पीरियड कंपनी आपको ग्रांट करती है सबमिशन करोगे आप पर्टिकुलर्स का अदर इंश्योरेंसेज जो आपने लिए हुए हैं उसका देन अगर आप ये जो कंडीशन है वो नहीं मानते हो तो जो आप क्लेम है वो नहीं कर सकते जो सेकंड पार्ट है कंडीशन का उसमें दो चीजें दो प्रोविजन आते हैं कि जो इंश्योरर है वो लायबल नहीं होगा अगर जो लॉस आपको हुआ है उसे हुए पंद्रह महीने से ज्यादा हो चुका है फ्रॉम द डेट ऑफ लॉस जो क्लेम है उसका जो सब्जेक्ट है क्लेम का वो पेंडिंग एक्शन उसमें पड़ा है कोई या आर्बिट्रेशन उसमें है अगर जो लाइबिलिटी है वो डिस्क्लेम करता है इंश्योरर तो उस केस में जो इंश्योर्ड है अगर उसने सूट फाइल नहीं किया विद इन ट्वेल्व मंथ फ्रॉम दी डेट ऑफ डिस्कलोजर डिस्क्लेमर तो उस केस में भी वो जो है क्लेम आपका नहीं बनता है देन नेक्स्ट है आपका राइट्स ऑफ इंश्योरर इंश्योरर के पास क्या क्या राइट right है वो एंटर कर सकता है ले सकता है पोसेशन बिल्डिंग का प्रमिसेस का जहां पर लॉस हुआ है रिमूव कर सकता है सॉर्ट कर सकता है अरेंज कर सकता है स्लावेज जो भी प्रॉपर्टी का है देन फ्रॉड अगर जो क्लेम है वो फ्रॉडुलेंट है तो जो इंश्योर्ड है उसके पास जो भी उसे बेनिफिट्स मिलने थे वो सारे बेनिफिट्स उसके खत्म हो जाते हैं अंडर दी पॉलिसी देन रीस्टेटमेंट कंडीशन Uh, ये कंडीशन ये कहती है कि जो इंश्योरर है उसके पास ऑप्शन है रीइंस्टेट करवाने का या जो प्रॉपर्टी है उसको रिप्लेस करवाने का uh, कि जो भी लॉस हुआ है या डैमेज हुआ है इंस्टेड ऑफ पेइंग अमाउंट ऑफ क्लेम मनी पे करने की बजाय वो उसको रिप्लेस कर दे नेक्स्ट इज योर एवरेज कंडीशन जो इंश्योर्ड है uh, वो जो भी उसकी प्रॉपर्टी uh, है उसकी फुल वैल्यू को वो इंश्योर करवाएगा अगर जो प्रॉपर्टी है वो अंडर इंश्योर्ड है तो उस केस में एवरेज कंडीशन एप्लीकेबल होती है और जो अमाउंट ऑफ क्लेम है वो अपने आप प्रोपोर्शनेटली कम हो जाती है फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है उसने अपना हाउस इंश्योर्ड कराया अगेंस्ट फायर फिफ्टी लाख रुपीज वैल्यू बताकर लेकिन जो मार्केट वैल्यू थी हाउस की वो थी सेवेंटी फाइव लाख और क्लेम अराइज हुआ तीस लाख का लेकिन उसे क्लेम मिलेगा कितना ट्वेंटी लैख सर और ये कैलकुलेट कैसे होगा प्रोपोर्शनेटली कि अगर फिफ्टी का है लेकिन मार्केट वैल्यू सेवेंटी फाइव की है तो अगर क्लेम अराइज होता है थर्टी का तो कितना प्रोपोर्शन हुआ ट्वेंटी लाख तो मतलब फिफ्टी और सेवेंटी फाइव का जो रेशो है वही रेशो थर्टी लाख का निकाला जाएगा नेक्स्ट इज योर कंडीशन कंडीशन क्या कहती है एज पर दिस कंडीशन अगर जो आपकी प्रॉपर्टी है वो इंश्योर आपने एक से ज्यादा पॉलिसीज ली हुई है सेम प्रॉपर्टी के लिए तो जो आप जब क्लेम कर रहे हो तो आप किसी एक पर्सन से भी ले सकते हो क्लेम जब उससे आपने claim, जो कंपनी है एक इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हो क्लेम जब उस इंश्योरेंस कंपनी से आपने क्लेम ले लिया तो उसके बाद वो जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके पास राइट right है कि जो बाकी जिस जिस इंश्योरेंस कंपनी से आपने क्लेम लिया हुआ है सेम प्रॉपर्टी के लिए वो उनसे कॉन्ट्रीब्यूशन मांग सकती है उतने अमाउंट का जितना उसने आपको पे किया है सब्रोगेशन कंडीशन ये कंडीशन कहती है कि जब आपको लॉस हो रहा है थर्ड पार्टी की वजह से और जो इंश्योरर है उसने आपको इंश्योर्ड को सारा अमाउंट इंडेमिफाई उसका कर दिया है तो जो भी राइट्स है थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जो पहले इंश्योर्ड के पास थी वो सारी राइट right इंश्योरर के पास चली जाती है अगर कोई भी arise होता है उसे अपॉइंट करेंगी पार्टी इन राइटिंग में और अगर जो पार्टीज हैं वो एग्री नहीं करती हैं एक सिंगल आर्बिट्रेटर के ऊपर विद इन थर्टी डेज तो एक पैनल तीन आर्बिट्रेटर्स का बनाया जाएगा उन्हें अपॉइंट किया जाएगा और वो उस पैनल में हर एक पार्टी अपना एक एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगी और वो दोनों आर्बिट्रेटर मिलकर तीसरे आर्बिट्रेटर को चूज करेंगे तो बिफोर गोइंग टू कोर्ट जो पार्टीज हैं उन्हें कोशिश करनी है कि जो सेटलमेंट है वो आर्बिट्रेशन के थ्रू हो जाए देन रिटर्न कॉम्युनिकेशन हर एक जो भी नोटिस सर्व किया जाएगा कंपनी के थ्रू सारे कॉम्युनिकेशन जो भी किए जाएंगे कंपनी के थ्रू के साथ वो सभी राइटिंग में होने चाहिए Then, maintenance condition, जो some assured है, उसे आपने मेंटेन करके रखना है थ्रू आउट दीरियड ऑफ पॉलिसी जब एक क्लेम सेटल किया जा रहा है इन बिट्वीन ऑफ द पॉलिसी इतना जो प्रो राटा प्रीमियम है अनएक्सपायर्ड पीरियड के लिए फॉर अमाउंट ऑफ़ सच लॉस पेबल होगा बाय इंश्योर्ड तो जो इंश्योरर है वो डिडक्ट कर लेगा अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो है उसको फ्रॉम अमाउंट ऑफ़ क्लेम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिन्यूअल कैंसिलेशन एंड असाइनमेंट ऑफ फायर पॉलिसी इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच